हरि ओम। आज का टॉपिक पूरा भगवान पे विश्वास का है। भगवान जी के ऊपर विश्वास करना माना पूरा जीवन हमारा सार्थक हो गया है। विश्वास ना होने के कारण हमें सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दादा भगवान के कुछ पॉइंट्स थे, व्हेन द ईगो डाइज द आत्मा अवेकन्स, When the Atma awakes, all sorrow vanish. अहंकार मर जाता है तो आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा जागती है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब हम आत्मा हैं तो फिर सारा ये विश्वास के ऊपर वाणी है, विश्वास है। भगवान जी हमेशा कहते थे यू आर नॉट, भगवान है यू आर नॉट, भगवान ही है तुम कहीं भी नहीं हो। When a man empties his heart, God occupies. हमारा दिल खाली होगा, हमारा बक 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 टन्स एंड टन्स विचार चल रहे हैं अगर इसमें सर के ऊपर दिमाग में, फिर भगवान कैसे ऑक्यूपाई करेगा? जब खाली होगा तब भी भगवान आएगा ना। When a man empties his heart, God occupies it. He who has God in his side has all, and he who has all but God not on his side has nothing. जैसे वो दुर्योधन था, उसके साइड पे क्या था? सेना थी लेकिन भगवान नहीं था। और पांडु के पास क्या था? भगवान था। Where God is not there, not your side, has nothing. When the God is your side, has all and he has all, who has no, he has nothing. When a man is patience is exhausted, he should resort to silence and speak only when he has calmed down. No joy can compare with the joy of doing one's duty quietly. अपनी जिम्मेवारी है, अपना समझ रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो भी हमारे जिम्मेवारियां हैं उनको आराम से कर रहे हैं, उसके मुताबिक कोई खुशी ही नहीं है। नो जॉय कैन कंपेयर विद द जॉय ऑफ डूइंग वन्स ड्यूटी क्वाइटली। सूरज अपनी ड्यूटी कर रहा है, पांचों तत्व कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं काम में। कितने प्यारे दादा भगवान जी के पॉइंट हैं। व्हेन मैन स्माइल्स इट इज गॉड हु कम्स टू आवर रेस्क्यू। भगवान को यही तो पसंद है, मुस्कुराता चेहरा, प्रसन्न चित वाले के अंदर भगवान बैठेगा। ये इतना प्यारा पॉइंट भगवान जी सुनाते थे। सेल्फिशनेस एंड फियर मस्ट गो इफ वन इज टू रियलाइज ऑफ गॉड। जब भगवान पे विश्वास है, कौन डर रहा है? कोरोना COVID-19 से भी कौन डर रही है आत्मा है? जब वो भगवान पे विश्वास नहीं करती है। एक छोटा सा आपको सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारा है, आपको विश्वास हो जाएगा आज ही ये सुन के कि हमें विश्वास नहीं है। इसलिए जब हमारे काम नहीं बन रहे हैं, दिन शुरू होता है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम भगवान को शिकायत करते हैं। इसीलिए कितनी वाणियों में बोला है, आज फिर बोलती हूँ। हमारा शुरू में बेड के ऊपर ही आज पूरा दिन में क्या करना है वो शुरू हो जाना चाहिए। किसको प्यार करना है, किसकी सेवा करनी है, तब हमें बेड के वो नीचे उतरना चाहिए। पहले अपने को ऑटो सजेशन दे दो, आज मेरा क्या क्या प्रोग्राम है और भगवान तू मेरे साथ रहेगा। एक आदमी की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ थी। आप कभी किसी को पूछो हेलो हाउ आर यू, बोलेगा आई एम फाइन। नहीं होगा फाइन, वो एकांत में रो रहा होगा, अकेला रो रहा होगा। सत्संग हमें क्या देता है? विश्वास देता है भगवान पर, और सत्संग में सहारा मिलता है। अपने वो लोग मिलते हैं जिनसे हम अपना लेना देना, रोना रो सकते हैं। और परेशानियां जब हैं तब हम क्या करते हैं? भगवान को उलाहना देते हैं। ऐसे ही एक इंसान था, उसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां थी, वो तंग हो गया, परमात्मा को बोला आज मेरा दिन तूने ख़राब क्यों किया? भगवान ने बोला मैंने क्या किया? बोलता नहीं, हुआ क्या था उसके साथ?
उसने रात को अलार्म लगाया। बहुत ध्यान से सुनना, आज के दिन इतनी कृपा बरसेगी भगवान जी की कि आप आज ही विश्वास तोड़ोगे नहीं और हर परेशानी में हर दुख में देखोगे कि इसमें भगवान की भलाई है। इसके ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं भलाई के, जो हमें इसमें हर चीज़ में भलाई देखनी है। एक पूरा टॉपिक ही उसके ऊपर करेंगे, एक भलाई है हर चीज़ में। उसने अलार्म लगाया, अलार्म बजा नहीं, घड़ी रुक गई, पता नहीं उठ नहीं पाया, देर हो गई। बहुत जल्दी 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 अपना नित्य कर्म करा होगा, नहाया धोया होगा, तैयार हुआ घर उसमें जाने के लिए। आगे वो उसकी मोटरसाइकिल थी, वो चली नहीं, उधर से कोई रिक्शा जा रहा था तो उसने रिक्शा में पहुंच गया अपने ऑफिस में। ऑफिस में भी गया तो उधर घर में टिफ़िन लेना भूल गया जल्दी जल्दी में। आगे कैंटीन बंद थी, कैंटीन खाना नहीं मिला, कहीं से कैसे करके सैंडविच लिया, वो भी ख़राब था। एक फ़ोन उसको आया कि बहुत अच्छी ऑफ़र आई है जॉब की, फ़ोन बंद हो गया। सोचा भी छोड़ो, दुखी हो गया, घर जाके मैं एसी में जाके सो जाऊंगा। घर आया तो लाइट ही नहीं थी, एसी भी नहीं आनी हुआ। फिर उसने भगवान को इतना तंग करा, इतना दुखी करा, परमात्मा को बोला आज तूने पूरा दिन मेरे साथ क्या करा, क्यों मुझे इतना परेशान किया। सुनना ध्यान से, भगवान बोलते मैंने तो आज देवदूत को भेजा था, इसका अलार्म मत लगाओ, आज इसका दिन बहुत बुरा है। शुरुआत मैंने अलार्म से करी थी कि आज इसका अलार्म नहीं बजने दो। भगवान को पता था कि इसका दिन बहुत ख़राब जाने वाला है। फिर भगवान ने क्या करा, बोलते मैंने तेरा स्कूटर ख़राब कर दिया, क्योंकि तुम्हारा इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाना था इसलिए तुम रिक्शा में गए तो उससे बच गए। भगवान बोलते कैंटीन मैंने इसलिए बंद करी क्योंकि कैंटीन का खाना आज बहुत ख़राब था और तुमको पॉइजनिंग हो जाता। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं भगवान कैसे जवाब देते हैं हमारे। और जिस इंसान का फ़ोन आया था तुम्हें कि बहुत बड़ी ऑफ़र आई है, वो घोटाला वाले था, उसने तुझे धोखा देना था, इसलिए मैंने तेरा फ़ोन बंद कर दिया। एसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता, मैंने लाइट बंद कर दी, बताओ मेरा कसूर किधर है, तुम मुझे कसूर दे रहे हो। मैंने तुझे बचाने के लिए सभी जगह से इतनी तेरे पे कृपा करी और तुम मुझे शिकायत कसूरवार बता रहे हो। उसने परमात्मा से माफ़ी मांगी। भगवान ने बोला तुझे मेरे पे विश्वास है, विश्वास के ऊपर वाणी है, तुझे विश्वास नहीं है मेरे पे, मैं किसी का भी बुरा नहीं करता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। हम ही अपनी उलझनों में आके जो उसके पीछे भलाई छुपी होती है उसको नहीं देखते हैं तो उन उलझनों में और मुश्किलों में घिस जाते हैं। अभी आगे से कभी भी हम जितने भी साधक सुन रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हो, सोचो इसमें भगवान की भलाई है। किस चीज़ में भलाई नहीं है, आज के सत्संग के बाद आपको हर चीज़ में, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, डांट हुई, ये भी हुई, उसमें भी बोलना है, इसमें भी भलाई हुई कोई बहुत बड़ी। हमेशा सोचो परमात्मा गुरु मेरे उसमें रक्षा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ है। हम अपने गुरु जी को भगवान जी बोलते थे, उन्होंने तो नहीं खुद बोला था कि मुझे बोलो, लोगों ने ही बोला। उनको गुरु बनना, चेला रखना, शिष्य रखना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, पांव छूना ये पसंद नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बोलते थे अपना अपना जीवन बनाओ मेरा ज्ञान लेके। कभी हम कहीं यात्रा पे निकल जाते हैं, कितनी कितनी मुश्किलें आती हैं, वो सफ़र में हमें कितनी हिम्मत मिलती है, ये कौन दे रहा होता है। जब भी कोई मुश्किलें आए, सोचो परमात्मा की इसमें बहुत बड़ी भलाई है, छुपी है, हमको पूरा विश्वास करना है कि भगवान है। दादा भगवान ने हमेशा बोला व्हेन द पेन इज हाईएस्ट द गॉड इज नियरेस्ट। ये समय भी गुजर जाएगा, इतना विश्वास होना चाहिए। किचन में लिख दो, लेडीज़ अगर है अपनी ऑफिस में हो तो अपने टेबल पे उधर लिख दो, गुजर जाएगा कब तक। ये छोटे छोटे पॉइंट इतने प्यारे हैं,
बुरा जो देखन मैं चला, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं दुनिया में। कितने प्यारे वचन है ये, करोड़ों में कहाँ से लेंगे हम। अटल विश्वास करना पड़ेगा हमें भगवान पे, अटल विश्वास। दृढ़ विश्वास नहीं है, थोड़ा कच्चा होता है, इसीलिए ये कमियां आती हैं। तो हमारे विश्वास की कमी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इसलिए पूरा विश्वास रखो कि भगवान है, मैं नहीं हूँ। कितने प्यारे भगवान ने उसको जवाब दिए कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था इसलिए तुम्हारी बाइक ख़राब कर दी मैंने, अलार्म नहीं बजने दिया, कैंटीन में खाना नहीं रखा, एसी का शॉर्ट सर्किट हो जाता, आज तुम्हारा दिन ऐसा निकलने वाला था। इट मीन्स भगवान हम सबके भले के लिए बैठे हैं, फिर क्यों डरना, क्यों घबराना है हमने। पक्का विश्वास हो जाए, आशा करती हूँ आज के सत्संग से आपका 100% विश्वास हो, और इसको रिपीट करना होता है। क्यों, कितने सत्संगों में आजकल बता रहे हैं, हर 2-2.5 घंटे के बाद अपने को थोड़ा सा ज्ञान दे दो, सो दैट नेक्स्ट मोमेंट तक आपकी वृत्ति नीचे चलेगी, और किसी से आपने ऊंचा बोल दिया, किसी से झगड़ा हो गया, समय ऐसा है। भगवान करे आज आपके ऊपर पूरे पूरी बरसात हो जाए, और पूरा विश्वास हो जाए कि भगवान है, मैं नहीं हूँ। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।